मैं इनको चुप कराता हूँ। 370 क्या है आपको पता है? व्हाट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ 370? यू नो, आप भी शायद यूसीसी पे बात कर रहे होंगे, यूनियन सिविल कोड। 24 से बात कर रहा हूँ मैं, 24 से बात कर रहे हैं ना। 370 आया कहाँ से? 24 की बात अभी कैसे आप कर रहे हो? आप भविष्य वक्ता हो? आप भविष्य वक्ता हो? आप भविष्य वक्ता नहीं हो ना, क्यों फ्यूचर किसी का भविष्य? फिर भी वर्तमान सरकार जो 9 साल कांग्रेस कदे कलेक्टर कदे गए वापस दिए इसको, कदे कलेक्टर है इसके परिवार में जो कांग्रेस ने दिए, भूख तो लो केंद्र में जो आज भूखा मर रहा है, ऐसा सुरक्षा नहीं मिल रही है। जो नरेंद्र मोदी आएगा, बस ये जितने भी चोर है, 10-20 जितने भी चोर, ये जो केजरीवाल चोर और ममता बनर्जी जो भी है, कोई भी उसके मोदी के सामने टिकने वाला नहीं है। मोदी को हराने के लिए पूरा विपक्ष एकजुट हो गया, कैसे देखते हैं इसको? वो कुछ नहीं होने वाला, सारा विपक्ष तो 14 में भी इकट्ठा हुआ था और 19 में भी इकट्ठा हुआ था, लेकिन अब मोदी के सामने कोई टिकने वाला है, क्योंकि भारत की जनता समझ चुकी है कि देश का हीरो एक सिर्फ मोदी है और मोदी ने जितना विकास देश में किया है उसी के आधार पर मोदी प्रधानमंत्री बनेगा। अरे मोदी जी ने महंगाई बढ़ा दिया, कांग्रेस मोदी ने कहाँ महंगाई बढ़ा दिया? पहले कांग्रेस के जमाने में 5,000-6,000 में आदमी काम करता था, आज 25,000-30,000 महीनों पगार पा रहा है, तो कौन सी महंगाई है भैया? बताओ, आप बताओ मेरे को कौन सी महंगाई है? अच्छा, मतलब महंगाई नहीं है? बिल्कुल महंगाई नहीं है, कुछ महंगाई नहीं है। वही 5 रुपए की, 10 रुपए की चाय 14 में मिलती थी, वही चाय आज साला 5 रुपए 10 रुपए में यहाँ मिलती है। सिलेंडर कितना महंगा हो गया? अरे बहुत महंगाई हो गई है। विकास के लिए होना चाहिए। ये बस जो केजरीवाल ने फ्री किया है, तो क्या पुरानी बस? 24 में प्रधानमंत्री के लिए किसे देखा था? 24 में प्रधानमंत्री के लिए किसे पसंद करेंगे? देखो, प्रधानमंत्री तो मोदी बनना चाहिए कायदे में, पर केंद्र में जो है मोदी आना चाहिए, और राज्य में जो है बिल्कुल बीजेपी आनी नहीं चाहिए। ऐसा क्यों? मतलब राज्य में बीजेपी नहीं और केंद्र में वहाँ चाहिए? कांग्रेस के चोर सारे बीजेपी में आ गए, वो चोर ही तो चलाएंगे फिर। कौन से राज्य से हैं आप? कौन से राज्य से हैं? मैं यूपी से हूँ। बाबा का बुलडोजर नहीं चल रहा है सही से? बाबा का बुलडोजर नहीं, बाबा हो गया फैल। अच्छा, बाबा फेल हो गए। सुन ले भैया, सुन ले, बाबा हो गए फेल। बाबा कहाँ फेल हुए? आपने देखा होएगा सबके कैमरे में आया है जी, वो हाथरसकांड है, हाथरसकांड में उसे बिल्डोजर नहीं चलाया तो बाबा जी फेल हो गए वहाँ है जी। पास कहाँ हुए? अच्छा बाबा, अरे रुक जा भैया, जी बाबा बोल रहे फेल हो गया यूपी। कौन बाबा है? तो देश बचा हुआ है राज्य यूपी, मायावती अखिलेश को चोट लाना चाहिए क्या? ये बोल रहे बचा हुआ। एससी को ऐसा दंड क्यों देते हैं? एससी को इतना दंड क्यों देते? क्या हम हिंदू नहीं है? हम ऐसे है तो हिंदू नहीं है क्या? सबके लिए बाबा फेल है। बाबा एक नंबर आदमी है, आज तक भारत देश के अंदर योगी से बढ़िया मुख्यमंत्री कोई नहीं बना। या बाबा फेल है? बाबा ये ऐसा भी बाबा चल रहा मामला भाई, बाबा की से सारे तो बाबा की से होना चाहिए मामला। बाबा फेल हो गया तो खत्म कहानी है गुरु और मायावती, ये पहला ना थी ये। अरे पूरा देश कह रहा है कि मोदी के बाद योगी प्रधानमंत्री रहेगा, अगर आप कह रहे हैं यूपी में काम नहीं कर रहे हैं। इस तरीका से कैसे रहेंगे? आप यहाँ देख रहे थर थर का क्यों हो गए? अभी कल परसों देखा ना आपने, देखा शिवराज ठाकुर को हैं पैर धो रहे है? अरे यही तो भाजपा कह रहे कि हमारा यही है। पैर धो यार, ऐसा नहीं चलेगा, जूता मारो सिर पे, मुंह तो पैर धो। आपकी चंद्रशेखर आजाद की सोच बोल रही है, बाकी आपके कुछ नहीं बोल रही है, ठीक है? ये चंद्रशेखर आजाद की सोच चलने वाली नहीं है देश के अंदर, ठीक है? सभी अगर IAS UPSC बन जाएंगे, कैसे सभी को UPS बना दो, सबको एक UPS बना दो, IAS बना दो, या उसमें वो योग्यता भी हमारे पास हो तब भी। आरक्षण खत्म करो, आरक्षण खत्म करो, हाँ कैसे आरक्षण खत्म करो, और जो ये प्राइवेट स्कूल है इनको सबको समाप्त करो, और जिनका समान शिक्षा आनी चाहिए, और आरक्षण बिल्कुल खत्म होना चाहिए। मैं उस बात में सहमत देता हूँ साहब। सहमति कर रहे हैं इस बात की? इस बात की मैं सहमति देता हूँ। तो फिर योगी से क्या नाराजगी है? खुल के बोलो। नाराजगी ये है हमारी योगी जी से कि सबको न्याय बराबर का होना चाहिए, SC को हो चाहे जो जो। बोलो मत भाई, चाहे कोई, चाहे SC का है, चाहे सोरन जाति का है,
क्या कोई बड़ी जाति का या छोटी जाति का? विकास दुबे जो मारा गया था वो कौन सा जाति? विकास विकास तो भाई जैसे जैसे आते रहे ऐसे जैसे विकास चलते रहे जैसे प्रधानमंत्री आते रहे उन्होंने सब नहीं किया हमारे देश का विकास। इस भाई साहब तो बोझ ले विकास नहीं मिल रहा इसको, किस चीज की कमी मिल रही इसकी? यूपी में क्या हो रहा है ऐसा पता नहीं? नहीं ये कह रहा है कि बाहर नहीं लग रहा था कुछ दिन पहले। बात भी सुनिए, इनका कहना योगी खराब काम कर रहे हैं और मोदी अच्छा काम कर रहे हैं। दोबारा रिपीट कर कैसे बता? इनका कहना केंद्र में मोदी सरकार और यूपी में योगी सरकार नहीं चाहिए। और कौन ही चाहिए? ओलंपिक घोटाले वाली सरकार चाहिए। मैं कह रहा हूँ जो जो छोटी छोटी जो छोटी छोटी पार्टी है ये आनी चाहिए सब छोटी पार्टी मतलब समाजवादी पार्टी। ये जिनकी बातें कर रहे हैं ना वो मुख्यमंत्री पहले अपना स्टेट संभाल ले, देश संभालने की तो बहुत बात दूर रह गई। पहले अपने स्टेट संभाल ले। कब ये नए नए जो कपड़े पहन के जाते हैं ना जैसे ब्याह शादी के अंदर सज के जाता है, शायद मेरे को कोई लड़की दे देगी दुल्हन दे देगी, तो ये ख्वाब देख रहे प्रधानमंत्री बनने का, ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। 2024 में 2024 में फिर से आ रहे हैं योगी जी। अरे एकजुट हो गया विपक्ष, बोल रहा उखाड़ फेंकेंगे। अब एक बात बताओ, ये जितने गीदड़ इकट्ठे हो लें मगर शेर का सामना नहीं कर सकते? गली के कुत्ते हैं जितने विपक्षी हैं, गली के कुत्ते हैं। कुत्ते हैं हाँ, उसी तरह अरे उसी तरह जैसे आपस में मार कर कुत्ते सब एक दूसरे के नोचते रहते हैं, लेकिन एक बाहरी आता है तो सभी मिलके उनको नोचते हैं, फिर वो बाहरी गया फिर आपस में नोचा। लोग कह रहे हैं कि देश को मोदी ने बर्बाद कर दिया है, बचाने के लिए हम लोग एकजुट हुए हैं, सिलेंडर का दाम कहाँ से कहाँ चल गया। हाँ मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। तेजस्वी यादव जब ये नीतीश के साथ मिले सरकार तो बोले 20 लाख जॉब लगाऊंगा, अभी पूछिए कितना लाख जॉब है। साला झूठ भी बोलने का एक सीमा, दो करोड़ मोदी जी भी गलत बोले, दोनों गलत है ना भाई। बिहार में 2019 क्या बोल रहे ये अखिलेश यादव? अपने बाप का नहीं हुआ तो महागठबंधन का क्या होगा? ये अखिलेश यादव एक नंबर का चोर है जो सारा यूपी को लूट लिया है बराबर, उसके बाद ये सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं। लालू यादव चोर है, केजरीवाल चोर, सब चोरी है ना? क्या है, क्या किया चोरी है वो? जब लालू यादव नहीं है अभी सबको चोर बता रहा है, अभी उसका केस चला है, अभी सारे यादव चोर बता रहा है, ये समाज के लिए कर रहा है, इसमें केस होना चाहिए, इसका नाम लिखिए, इसका फोटो खींचिए। लालू यादव पर चारा घोटाला का लगा हुआ है मामला, चारा घोटाले का बेटा पे भी लगा चोर है। लालू यादव एक नंबर का चोर है, मेरा फोटो ले लो क्या? लालू यादव चोर चारा घोटाला, चोर कहने का हक हमें नहीं है पहली बात तो। ये अब जनता कुछ भी बोल सकता है, बोलने की आजादी है। चोर क्यों बोले, गाली देगा किसी को? चारा चोर चारा घोटाला है तो क्या हुआ? चारा ही चोर के लिए बीजेपी के मैं 10 नेताओं का नाम गिनती करा दूं जो चोर है। सबसे पहले लेटेस्ट ये शरद पवार के भतीजे को देख लो, शरद पवार का भतीजा अमित पवार को देख लो, सुमेंदु अधिकारी को देख लो, ये घोटालेबाज नहीं है। शिवराज सिंह चौहान ये घोटालेबाज नहीं है। जो भी है गलत है, बिल्कुल है, तो फिर उसको भी तो तुम गोद ले रहे हो, तुम उसको भी तो गोद ले रहे हो ना बीजेपी, उसको 24 में कौन आना चाहिए? 24 में देखो मैं बताता हूँ, इंडिया जो है ना, इंडिया में डाइवर्सिटी है, आपने एक पार्टी को सपोर्ट मत करो, वो कंट्री के लिए गलत है। 24 में आपके अनुसार कौन होना चाहिए? राहुल गांधी पर तो सदस्यता बरकरार रह गया, हो सकता है चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे, अभी हाल में ही हाईकोर्ट। राहुल गांधी मैटर नहीं करता ना, राहुल गांधी की पार्टी लड़ेगी, बीजेपी लड़ेगी, और वो मैं डिसाइड नहीं करता। मैं देखो मेरी कोई वो नहीं है, परिवर्तन चाहते हैं वर्तमान में, वोट ही नहीं करता जितने लोग हैं यहाँ भीड़ लगाए खड़े हैं। चलो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बीजेपी आनी चाहिए 2024 में भी, और बढ़िया बीजेपी आनी चाहिए 2024 में भी, बढ़िया काम कर रही है, बढ़िया काम कर रही है। यूपी में देख लो बढ़िया काम, बहुत बढ़िया काम कर रही है। चार काम क्या बताऊं, 370 देख लो, पता नहीं है क्या है। जम्मू कश्मीर एक में आ गया ना, इंडिया में आ गया, वो क्या था, कहाँ था? इंडिया में था, वो बनाता था, मैंने बता दो, पूछ लो, पूछ लो। मैंने 370 आपने बोला, 370 क्या है मुझे ये बता दो बस। देखो तो आप बताओ क्या है भाई। वो बंदा जिसमें बात कर रहा है, किसी को क्रिटिसाइज कर रहा है, उसको पता तो होना चाहिए। मैं कोई ऐसी चीज बोलूंगा ही नहीं जिसके बारे में मेरे को, मैं मोदी को गलत नहीं बोल रहा, मुझे नहीं पता ना भाई। उसको 370 नहीं पता, वो कह रहा है 370 किया है उसने, क्या है 370 मेरा क्या फायदा है उससे? अरे पूरे देश को फायदा है, क्या फायदा है मुझे समझा दो, क्या फायदा है ये सही कर 370 से।